अनाथ बच्चों का परवरिश कर रही दादी लगा रही सरकार से गुहार। पेंशन और राशन का कराया जाए पूर्ति। खबर जीएन भारत में चलने के बाद शुक्रवार को प्रशिक्षु आईएएस आशीष कंगवार और सीओ दीप्ति प्रियंका कुजूर कामदारा प्रखंड क्षेत्र के रामतोलिया पंचायत के अंतर्गत गांव उर्मिंजा में जाकर उक्त दोनों मासूम बच्चे सुखमनी और मनीष टोपनो तथा परवरिश कर रहे उसकी दादी माँ सोनमित टोपनो की यथास्थिति से अवगत हुए। वहीं श्री गंगवार ने उक्त परिवार को तत्काल सहायतार्थ के रूप में 50 किग्रा अनाज मुहैया कराया। इसके बाद उक्त दोनों बच्चों के खर्चा के लिए प्रत्येक माह मिलने वाली छात्रवृत्ति की व्यवस्था हेतु आवेदन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू करवा दी। इसके बाद श्री गंगवार ने बच्चों की परवरिश कर रही वृद्धा, जो लगभग उम्र 60 से ऊपर है, के आधार कार्ड में कम उम्र होने के कारण वृद्धावस्था मिलने में हो रही परेशानी को देखते हुए रामतोलिया पंचायत के मुखिया को निर्देश दिया कि उसका वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म और उसका वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति संलग्न कर शीघ्र कार्यालय में जमा करें। मालूम हो कि गांव उर्मिंजा में स्वास्थ्य सुकरा मुंडा की मौत लगभग 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वहीं पति की मौत हो जाने के बाद उसकी पत्नी एक बच्चे को अपने साथ लेकर अन्य व्यक्ति के संग लगभग 1 वर्ष पहले रहने के लिए अन्यत्र चली गई है। फिलहाल घर में छुटे दो मासूम बच्चों की परवरिश उसकी बूढ़ी दादी माँ कर रही है, लेकिन शरीर से कमजोर होने के कारण मजदूरी भी नहीं कर सकती है। वहीं आधार कार्ड में उम्र कम रहने के कारण वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से उसे आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।